हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ाहिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है पिज़्ज़ा पैटीज। इट्स सो इजी एंड डिलीशियस टू ईट। सो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा पैटीज बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बॉइल्ड पोटेटोज, क्योंकि मैं 5 पैटीज बना रही हूँ इसलिए मैंने 5 पोटेटोज लिए हैं, कैबेज जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, कैप्सिकम्स, ग्रेटेड कैरेट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज जिसे मैंने ग्रेट कर लिए हैं, पिज्जा सॉस, देन कम्स ओरिगैनो एंड अ मिक्स ऑफ सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर एंड लास्टली कॉर्नफ्लोर। सो सबसे पहले हम लेंगे बोल और मैं यहाँ ग्रेट कर रही हूँ पोटेटोज, जिसे मैंने बॉईल करने के बाद 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। इससे पोटेटोज का मॉइस्चर निकल जाएगा। सो आप देख रहे हैं कितने आसानी से ग्रेट हो रहे हैं। इसी तरह हम 5 पोटेटोज को ग्रेट कर लेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, हम ग्रेटेड पोटेटोज में ऐड कर रहे हैं 2 स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, जिससे कि बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी एंड पैटीज फ्राई होने वक्त बिखरेगा नहीं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी स्पाइसेस, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। नाउ ओरिगैनो फॉर सम पिज्जा फ्लेवर एंड इट्स टाइम टू गेट आवर हैंड्स डर्टी। सो हम हाथों से अच्छी तरीके से पोटेटोज को मिक्स कर लेंगे एंड इसे एक डो जैसा शेप देंगे। सो आप देख सकते हैं ये रेडी हैं। नाउ फॉर द पैटीज फिलिंग, मैं सबसे पहले बोल में ऐड कर रही हूँ पिज्जा सॉस, करीबन 2 to 3 टीस्पून। अब इसके अंदर जाएगा कैप्सिकम, ग्रेटेड कैरेट, कैबेज जिसे मैंने अगेन ग्रेट कर लिया है और इन सबको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था सो मैं वेजिटेबल्स यूज कर रही हूँ। सो द फिलिंग इज ऑलमोस्ट डन और अब हम प्रिपरेशन करते हैं पिज्जा पैटीज बनाने की, जिसके लिए मेरे पास है चीज, फिलिंग्स एंड पोटेटो मिक्सचर। सो सबसे पहले हम लेंगे पोटेटो मिक्सचर में से एक बिग स्कूप और इसे इस तरीके से शेप देंगे और अब अंदर फिलिंग भरने के लिए इसे फ्लैटन करेंगे। सो आप इसे हल्के हाथों से प्रेस करें लाइक दिस। सो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ चीज इन द सेंटर और अब मैं लूंगी 2 टीस्पून ऑफ फिलिंग और इसे सेंटर पे प्लेस कर दूंगी। Now we have to be very careful while doing this. So हमें इसे slowly slowly press करना है and center को बंद कर देना है, क्योंकि हमने potatoes के mixture बनाने वक्त corn flour का इस्तेमाल किया था तो ये आसानी से bind हो रहे हैं और इसे हम बंद कर देंगे like a ball. And now we have to give it a shape of a patty. So इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। So it's not that hard, आप ये कर सकते हैं। So मैं इसे प्लेट में रख दूंगी और इसी तरीके से 2 या 3 पैटीज तैयार कर लूंगी। So यहाँ करीबन मैंने 3 पैटीज तैयार कर ली हैं और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की, जिसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है और फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। और अब मैं इसके अंदर एक एक करके पैटीज रखती जाऊंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। कैन यू सी हाउ जायंट दीज आर लुकिंग? और अब हम इसे जेंटली एक एक करके टर्न करते जाएंगे
फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखना है ताकि चीज अंदर से मेल्ट हो सके। आप देख सकते हैं कलर काफी चेंज हो गई है इनटू गोल्डन ब्राउन एंड द साइन इज इट्स रेडी। सो फ्लेम को करेंगे हम बंद और इसे प्लेट में करेंगे सर्व गर्मा गर्म। इजंट दिस लुकिंग सो बिग एंड डिलीशियस। और आप देख सकते हैं पैटीज के ऊपर ओरिगैनो का फ्लेवर दिख रहा है एंड दिस इज एडिंग एक्स्ट्रा फ्लेवर इनटू द पिज्जा पैटी। सो एक एक करके मैं प्लेट में रखते जाऊंगी एंड नाउ इट्स टाइम टू गार्निश इट विद सम ग्रेटेड चीज। सो मैं टॉप पे चीज स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑन आवर पिज्जा पैटीज एंड इट्स लुकिंग डिलीशियस एंड ब्यूटिफुल एज वेल। एंड डिड यू नोटिस ये कितनी ईजी रेसिपी है एज वेल एज हेल्दी, क्योंकि आप कोई भी वेजिटेबल्स इनसाइड डाल सकते हैं एंड यू कैन गेट द टेस्ट एंड द हेल्थ बोथ एट द सेम टाइम। एंड इन द एंड मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऑन द टॉप ऑफ आवर पिज्जा पैटीज एंड इट्स डन। सो मैं आपको इसकी स्टफिंग भी दिखाना चाहूंगी फ्रॉम इनसाइड, जिसके लिए मैं नाइफ से कट कर रही हूँ पिज्जा पैटी को। एंड नाउ यू कैन लुक इनसाइड इनटू आवर पिज्जा पैटीज हाउ डिलीशियस द स्टफिंग्स आर लुकिंग एंड दिस इज सो फुलफिलिंग एज वेल। सो लीजिए तैयार है बहुत ही डिलीशियस एंड इजी रेसिपी ऑफ पिज्जा पैटीज, जिसे आप डेफिनेटली ट्राई करें घर पे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी बनी। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए।